नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल रेनबो स्टडी में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान के 10 अत्यंत महत्वपूर्ण चुनिंदा प्रश्नों को। यह प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर एक है मनोविज्ञान का जनक, तो मनोविज्ञान का जनक जो है अरस्तु को माना जाता है। प्रश्न नंबर दो है मनोविज्ञान की जननी, तो मनोविज्ञान की जननी जो है दर्शन शास्त्र को माना जाता है, क्योंकि दर्शन शास्त्र से ही मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई है। मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक या ग्रंथ कौन सा है, तो मनोविज्ञान की जो प्रथम पुस्तक है वो है साइकोलॉजिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर चार, मनोविज्ञान शब्द देने वाले प्रथम व्यक्ति हैं, तो मनोविज्ञान शब्द देने वाले जो प्रथम व्यक्ति हैं उनका नाम है रूडोल्फ गोयकल, जिन्होंने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर पाँच, साइकोलॉजी का वर्गीकरण करने वाले प्रथम व्यक्ति, तो साइकोलॉजी का जो वर्गीकरण किया था वो किया था गैरेट ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर सात, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला खोली गई, तो मनोविज्ञान की जो प्रथम प्रयोगशाला खोली गई थी वो कहाँ खोली गई थी। दोस्तों मनोविज्ञान की जो प्रथम प्रयोगशाला खोली गई थी वो जर्मनी में खोली गई थी, लिप्जिंग शहर में, और 1879 में, 1879 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आठ, साइको तथा लोगस किस भाषा के शब्द हैं, दोस्तों इसी का वर्गीकरण किया था गैरेट ने। ये जो है साइको, साइको का अर्थ होता है आत्मा, और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना, यानी कि आत्मा का अध्ययन करना, इसका जो वर्गीकरण किया था वो किया था गैरेट ने, और ये यूनानी या ग्रीक भाषा के शब्द हैं। भारत में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोली गई थी, तो भारत में जो पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोली गई थी वो खोली गई थी 1916 ईस्वी में, और इसे खोला था NN सेन ने कोलकाता विश्वविद्यालय के सहयोग से, यानी कि 1916 ईस्वी में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो जनक माना जाता है वो माना जाता है थार्नडाइक को। तो दोस्तों ये थे वो 10 प्रश्न, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।